नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। एक्स आर पी, मैं इसको बहुत पहले से आपको रिकमेंड कर रहा था, लेकिन जब थोड़ा सा भी पंप हो जाता है ना, उसके बाद लोग क्वेश्चन करने शुरू करते हैं, सर क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। चलिए बताते हैं आप क्या करना है इसके बारे में। आइस नेटवर्क कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये अब स्पाइक आपको नजर आ रहा होगा। ट्विटर पर मैंने इसको कई सारे पोस्ट करके शेयर भी किए हैं, और दो एक माइनिंग ऐप हैं जिनके बारे में छोटी छोटी सी अपडेट है, वो भी आपको देते हैं। तो चलिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं एक्स आर पी को, बीटीसी की भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। एक्सआरपी देखिए 0.69 फिलहाल चल रहा है डॉलर में, और ये आपका गया था 0.74 तक चला गया था ये अभी रिसेंटली, ठीक है। लेकिन मैं आपको कब से रिकमेंड कर रहा हूं, जब इसका प्राइस 0.505152 तक, मैंने इसको बहुत आपको कहा था कि भाई यहां एक अच्छा मौका है, इसको हल्के में मत लो। थोड़ा सा ये प्रोजेक्ट ऐसा कि अभी आपको ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ दे नहीं रहा, लेकिन इसके पीछे जो चीजें चल रही हैं वो बहुत ही बुलिश चीजें चल रही हैं। कहीं ना कहीं जैसे जैसे वो धीरे धीरे, वो कहते हैं कि खाका तैयार होता जाएगा, ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपका इंक्रीज करना शुरू कर देगा। अभी भी इसमें ये कहोगे बहुत ज्यादा पंप हो गया, ऐसा भी नहीं हुआ है। अचानक से ही कल 62 से 73 74 तक गया, कल ही गया है, अचानक से हुआ। तो ये कहीं ना कहीं कोई न्यूज आ जाती है उसकी वजह से, देखिए पंप होना ही होना है। लेकिन प्रोजेक्ट मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टाइम में एक अच्छा प्रॉफिट देगा। तो जिन्होंने देखिए इसको ग्रैब किया हुआ है वो तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है तो मेरे भाई इसको थोड़ा सा देखिए, अगर बीटीसी जिस तरीके से भी $72,000 के ऊपर चल रहा है, थोड़ा सा नीचे आता है, लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो $72,000 के वो ऊपर ही है, और नीचे आने के चांस थोड़े से कम है, ज्यादा नहीं है, थोड़े से ही मान सकते हो आप। अगर ये आपको दोबारा से कहीं 60-65 की सीरीज में अगर नजर आता है ना, तो आप एक SIP शुरू कर सकते हो। देखिए क्रिप्टो करेंसी है, नहीं पता कब कौन सा टोकन कितना पंप कर जाए, लेकिन आप SIP अगर करते रहोगे तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छा साइन है आपके लिए कि आप एवरेज कर सकते हो इजीली। तो भाई XRP में तो यही है कि आप थोड़ा सा जो है अभी तो आप वेट करें, क्योंकि अचानक से जब कदम 10-20% चला जाए तो फिर थोड़ा सा रुक जाना चाहिए अभी, क्योंकि इसमें इतना बड़ा पंप आया भी नहीं है। आप ये कहोगे बहुत ज्यादा, जैसे औरों ने 100%, 150%, 200% तक दिया है, 800, 900, 900% तक दिया है, तो वो अभी इसने ऐसा कुछ भी नहीं दिया। आप चाहो तो आज की डेट से भी SIP कर सकते हो XRP में। इथेरियम $4,000 के ऊपर है, सोलाना आपका जो है $150 के ऊपर है। तो कुल मिला के BTC के साथ साथ अब अल्ट कॉइन्स में भी पूरी तरीके से पॉजिटिविटी जो है वो नजर आ रही है। दूसरा आपका मीम कॉइन्स हो गए, या आपके लोअर कैप वाले जो कॉइन्स हो गए वो भी अच्छा खासा बूम कर रहे हैं। यहां पर देखिए, कल मैंने आपको लेडीज के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी, केवल वही बाइनेंस पे जो बोटिंग चल रही है उसकी वजह से, तो देखिए उसमें अच्छी खासी पॉजिटिविटी बन रही है, और कल से अब तक वो प्रॉफिट में ही चल रहा है। जब मैंने आपको कल बताया था तब भी प्रॉफिट में चल रहा, और उससे पहले भी वो प्रॉफिट में आ ही चुका था। तो अब लिस्ट कौन सा होगा, बेबी डॉज होगा या लेडीज होगा, इनमें से अभी नहीं कह सकते। देखिए भाई बोटिंग अभी चल रही है, और बोटिंग जिस दिन एंड हो जाएगी, कुछ इसका निर्णय निकल के आएगा, उसके बाद ये चीज कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन आप फोकस जरूर रखें बेबी डॉज और आपका लेडीज पर, दोनों के दोनों जो है कोई भी एक हो सकता है, अगर इन्होंने अच्छी बोटिंग प्राप्त कर ली तो। लेकिन डिपेंड करता है बाइनेंस पर कि वो किसको लिस्ट करता है। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक और मीम कॉइन्स थोड़ा सजेस्ट करना चाहूंगा, आप थोड़ा सा उस पर फोकस रख सकते हैं, वोल्ट इन ऊपर। देखिए इसके बारे में अभी ये कहो कि कोई बहुत ज्यादा ठोस चीज निकल के आ रही है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन अगर आप ट्विटर पर जरा सा भी एक्टिव होंगे तो देखिए इसमें कुछ बर्निंग जैसे सीन चल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ बर्निंग की और कुछ पार्टनरशिप की कुछ न्यूज़ निकल रही है, जो कहीं ना कहीं ट्विटर पर थोड़ी ट्रेंडिंग में। अगर मैं इसका 7 दिन का अगर आपको हिसाब किताब बताता हूं तो बहुत ज्यादा पंप नहीं किया है अभी तक, ये कुल वही 5-7% का इसमें 7 दिन में पंप आया है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो और बाकी मीम कॉइन्स जो पंप किए हैं तो इसमें अभी वो पंप बाकी है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर इसमें अगर कोई बर्निंग की न्यूज कन्फर्म होकर आ गई, या जो पार्टनरशिप कोई बड़ी निकल के आ गई, तो मे भी आपको इसमें भी आपको 50-60% का पंप इमीडिएट दिखाई देगा। तो थोड़ा सा इस पर आप फोकस जरूर रखें। कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर आइस में क्या किया जाए, क्या बाइंग की जाए नहीं की जाए। तो मेरे भाई देखो, मैंने तो आपको जब इसमें एलोकेशन हुआ था, जब डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने दिया था, मैंने उस टाइम भी कहा था कि मैं इसको होल्ड कर रहा हूं, मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए, और अभी इसको मैं सेल नहीं कर रहा हूं। तो बहुत से लोगों ने देखी, इनकी एक प्लानिंग थी, तो बहुत से लोगों ने वहां पर इसको सेल भी किया, और इन्होंने एक तरह से कहा ना जबरदस्ती करवाया प्राइस को नीचे गिरा के। कहीं ना कहीं वो एक टैक्टिक्स होती है हर बिजनेस में, तो वही था कि इसमें कहीं कहीं प्राइस को नीचे जानबूझ के लाया गया। 26 पैसे के आसपास तक इसका प्राइस गिरा था आइस नेटवर्क का, और मैंने आपको जिस दिन पहले दिन इसका एलोकेशन हुआ था उसी दिन आपसे कहा था कि जिस दिन भी आपको 30 पैसे के आसपास नजर आ जाए
तो भाई इसमें थोड़ा सा आप बाइंग कर सकते हो, थोड़ा रिस्क के अनुसार कर सकते हो। देखिए प्रोजेक्ट नया है, कितना ऊपर जाएगा भी ये नहीं कह सकते, लेकिन रिकवर जरूर करेगा ये। तो जिन्होंने देखिए बाइंग किया, जिन्होंने मुझे कई सारे स्क्रीनशॉट शेयर किए, अच्छे खासे वो प्रॉफिट में है। अब यहां पर पूछ रहा है सर बाइंग बनती है क्या? तो मेरे भाई देखो, ये आज की डेट में 0.0080 तक प्राइस इसका गया, जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस टाइम तक गया, लेकिन उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा डाउनफॉल भी आया। लेकिन आपको एक चीज और यहां दिखाऊं, एक हफ्ते में लगभग 140% इसका प्राइस ऊपर गया है। तो देखिए जब 140% जिसका प्राइस ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा तो करेक्शन बनता है भाई, इतना बुलिश होने के बाद थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट आदमी बुक करता ही है। तो फिलहाल अब इसमें जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, देखिए अब ये प्रॉफिट बुकिंग में थोड़ा सा और ये प्राइस नीचे आता है। जैसे अभी देखिए मैं अगर आपको बताता हूं तो 0.00732 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है, लेकिन यहां अभी भी आप थोड़ा सा रुकिए जो नई बाइंग करना चाहते हैं। देखिए मैं ये नहीं कहूंगा नया प्रोजेक्टर नहीं है, आप कूद पड़ो ले लो, ऐसा नहीं है। आप इसको देखिए, एक तो 70 के आसपास छोटी सी बाइंग बना सकते हैं जब ये 0.0070 के आसपास है, उसके बाद ये फिर इसको नीचे आने दीजिए अगर आता है तो। अगर कोई मोटी मान लीजिए सेलिंग हो जाती है, कोई मोटा प्रॉफिट बुक कर लेता है तो, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है भाई, 150% चढ़ा दिया लोगों ने इसको अचानक से एक हफ्ते के अंदर, तो देखिए फिर प्रॉफिट बुकिंग तो होगी। तो इसको फिर दूसरी बाइंग आपकी बनती है 65 या 60 तक। ये आप स्टेप बाय स्टेप करें, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लमसम पैसा एक ही जगह पर डालें। देखिए नए प्रोजेक्ट में थोड़ा सा सतर्क ज्यादा रहना पड़ता है, लेकिन मैं बुलिश हूं मैं आपको ये कह सकता हूं, क्योंकि देखिए मैंने तो जब ये डिप में आया था ना, मैंने छोटी छोटी सी बाइंग की थी, जबकि मेरे पास तो एलोकेशन का भी पड़ा हुआ है। आप यकीन कीजिए, मैंने आपको स्क्रीनशॉट पहले भी दिया था कि मेरे पास तो जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन दिया वो भी पड़ा हुआ है, उसके बाद मैंने छोटी छोटी सी बाइंग, देखिए स्क्रीनशॉट ही आपको मैं दे देता हूं, मैंने छोटी छोटी सी बाइंग इसकी जब ये नीचे प्राइस आ रहा था उस टाइम भी इसमें मैंने बाइंग की थी। तो देखिए मेरा तो अभी भी वो प्रॉफिट में, जिस रेट पे मैंने बाइंग किया था वो अभी भी प्रॉफिट में। तो यहां मैंने आपको बता दिया आपको किस रेंज तक खरीदना है, एक चाहो तो आप 70 के आसपास का छोटी बाइंग, दूसरी आप 65 के आसपास छोटी बाइंग, तीसरी आप 60 के आसपास छोटी बाइंग। देखिए स्टेप बाय स्टेप ठीक है, क्योंकि आपका अगर मान लीजिए प्राइस नीचे आता है तो एवरेज हो जाएगा। तो इसलिए भाई दूसरी बात और ये भी है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, क्योंकि आप पैसा आपका है तो थोड़ा सा सोच समझ के निवेश कीजिए जिस भी प्रोजेक्ट में करना हो। तो मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी कि इसमें आपको क्या करना है, क्योंकि प्राइस तो इसका जैसे इन्होंने जो अभी अनाउंसमेंट किया है टेस्टनेट का, तो देखिए वो 10-22 तारीख को इन्होंने कन्फर्म कर दिया कि होगा, तो प्राइस तो इसका मुझे लगता है इंक्रीज होगा ही होगा। और मे भी आपका जो है, जो आपका 1 रुपए 20 पैसे तक गया था वहां तक तो इसको जाना चाहिए 10 यानी 22 तारीख तक, मे बी ये मेरा प्रेडिक्शन हो सकता है। लेकिन पैसा आपका है, थोड़ा सा सोच समझ के जहां भी लगाना चाहे आप लगा सकते हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं एथिन नेटवर्क के बारे में सर, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, जो प्रीमियम का है। देखिए भाई वो आपका डिसीजन है, आपको एथिन नेटवर्क में प्रीमियम लेना है नहीं लेना है, वो डिसीजन आपको लेना है। अगर आपकी केवाईसी बार बार फेल हो रही है, केवाईसी आपकी नहीं हो पा रही है, तो देखिए अभी $3 का ही मिल रहा है वो प्रीमियम, आगे 15 तारीख के बाद आपका वही प्रीमियम $6 का हो जाएगा। तो डिपेंड आप पर करता है कि आप $3 लगाना चाहते हैं नहीं लगाना चाहते हैं। मैं आपको फोर्सली ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं आप ले ही लीजिए, भाई वो $3 आपको खर्च करना है, मुझे नहीं खर्च करना है, जबकि मेरी तो केवाईसी हो चुकी थी, मैंने फिर भी ले लिया $3 का, वो अब आपका डिसीजन है। आपका केवाईसी हो गई है तो लेना है लीजिए, नहीं लेना नहीं लीजिए। जिसकी नहीं हो रही है, बार बार फेल पे फेल हो रही है, तो भाई फिर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप वही $3 वाली चीज आप 15 तारीख को फिर $6 में, क्योंकि कहीं ना कहीं बेनिफिट और भी हैं उसके, आपके बहुत सारी फीस वगैरह उसमें बच रही हैं जब आप इंटरनल ट्रांजैक्शन करेंगे। तो यहां पर देखिए जहां पैसे की बात आती है वहां डिसीजन आपको खुद को ही लेना चाहिए कि आप $3 खर्च करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, वो मर्जी आपकी है। मैं अपना पर्सनल बता सकता हूं कि मैंने $3 वाला प्रीमियम लिया है, अब वो आप अपना डिसीजन ले लीजिए कि आपको क्या करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अपडेट के साथ, नमस्कार।